एक ऐसा इशारा जिसको देखने के बाद आप ये बात पता कर सकते हो कि वो वुमन आपसे इम्प्रेस हो चुकी है। एक ऐसे इशारा जिसको देखने के बाद आप ये बात भी पता कर सकते हो कि वो आपको पसंद करती है, वो लड़की आपसे इम्प्रेस होना चाहती है, सेट होना चाहती है, आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में फ्रेंड आपको जानने को मिलेंगे। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए, ठीक है। थोड़ी सी भाई की तबीयत खराब है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, वॉइस में थोड़ी सी चेंजिंग मिल रही होगी आपको, मगर एडजस्ट कर लेना भाई, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है मेरे भाई। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जितने भी इशारे मैं आपको समझाने वाला हूं ना, ये सब आपके डाउट्स थे जो कि मैं क्लियर करने वाला हूं स्पेशली वुमन्स के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर वो वुमन अपनी दिल की फीलिंग, अपनी पर्सनल फीलिंग और अपनी पर्सनल से पर्सनल बातें भी आपके साथ शेयर कर लेती है तो इसका मतलब कि वो आपको पसंद करती है। जी हाँ, एक बात समझिए कि वुमन्स और लड़की के दोनों की फीलिंग अलग अलग होती है, ठीक है, उन दोनों की चॉइस भी अलग अलग होती है, मगर इनमें एक चीज कॉमन होता है कि जल्द ही अपनी कोई सी भी फीलिंग, अपनी कोई सी भी बातें वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है। बहुत से वुमन में तो ये भी चीज देखा जा है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं बताती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है या फिर मैं किस सवाल से परेशान हूं। अगर वो वुमन आपके साथ अपनी पर्सनल फीलिंग, पर्सनल बातें और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करती है तो इसका मतलब वो आपसे इंप्रेस हो चुकी है, इसका मतलब कि वो आप पर फिदा हो चुकी, जिसे कहते हैं आसान सी भाषा में, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका पहला डाउट था कि सर वो लड़की या फिर वो वुमन मेरे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, सर मुझे उससे बात करना उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, ना उतना ज्यादा क्लियर हो पाता है कि कहना क्या चाहती है, मगर ये अपनी सारी बातें मुझे समझाती है, सारी फीलिंग मुझे कहती है, सर इस साइन का मतलब क्या है, सर क्या चाहती है वो, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया क्लियर तरीके से। देन आई होप आपका ये पहला डाउट मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया कि अगर कोई वुमन आपसे अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करे, पर्सनल बातें और घंटों बातें हो रही है तो इसका मतलब कि भाई समझ जाओ कि आपसे वो इंप्रेस हो चुकी है, ठीक है। तो ये था आपका पहला डाउट। बात करता हूं दूसरे डाउट की। अब इस साइन को मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि क्यों शेयर कर रही है। देखिए, अगर वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करती है, बहुत ही ज्यादा अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करती है, तो इसका मतलब होता है कि वो आप पर ट्रस्ट करती है। जी हाँ, वो आप पर ट्रस्ट करती है, विश्वास करती है, यकीन करती है। और एक वुमन जल्दी किसी लड़के पर विश्वास नहीं करती है, जल्दी उस पर किसी को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उनको एक बात पता होती है कि लड़के लोग ना अपनी कैरेक्टर या फिर कहा जाए अपना स्वभाव जल्द ही दिखा देते हैं, मगर आपके स्वभाव देखने के बाद भी, आपके कैरेक्टर देखने के बाद भी आपसे वो बातें शेयर कर रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको एक काम करना चाहिए, सबसे पहला कि जब भी वो अपनी फीलिंग शेयर करती है ना, जब भी अपनी वो बातें आपके साथ शेयर करती है, तब आप उसकी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो, ताकि उसको ये लगे कि जितना ज्यादा मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं उतना ही ज्यादा ये लड़का भी मुझ में इंटरेस्टेड है, जितना ज्यादा मैं इसे चाहती हूं बात सुनाना उतना ही ज्यादा ये बात मेरी सुनना भी चाहता है। तो इससे क्या होगा, आप दोनों का अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ेगा, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रांग होने लग जाएगी। उसे किसी और से बात करना, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर किसी और में इंटरेस्ट दिखाना ये तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप में ही वो इंटरेस्ट बना के रखेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ही वो पसंद करना चाहेगी। तो ये चीज देखने को मिलेगा। अभी जो पहला साइन था मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, ठीक है, पॉइंट वन और पॉइंट टू क्लियर कर दिया एक में ही। अब बात करता हूं फ्रेंड पॉइंट नंबर टू की, कहा जाए थ्री भी है ये। उस वुमन का बिहेवियर में चेंजिंग आना, वो वुमन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के पैतरे आजमाना, तो इसका मतलब कि भाई मेरे वो आपको पसंद करती है। अब वो कैसे, देखिए यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले वुमन कैसे भी बात करती थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अब आपको देख रहा है उसके बिहेवियर में चेंजिंग कि अब वो आपसे बहुत ही ज्यादा स्वीट टोन में बात करती है, बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करती है, कई बार आपको देखती है तो देखने के बाद आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहती है, कई बार आपको देखती है तो देखकर स्माइल करती है, और ये चीज पहले आपको देखने को नहीं मिलता था, पहले आप ये कभी चीज नहीं देखते थे। साथ ही साथ वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, लाइक जैसे कि पहले वो कैसी भी रहती थी मगर
अंदर अब आपको अट्रैक्ट करने के लिए काफी अच्छे कपड़े पहनना, काफी अच्छे तरीके से तैयार होना, अपने बाल को सही तरीके से सेट रखना कि आप उसकी तारीफ कर सको, ताकि आपकी नजर उस पर जाकर के अटक जाए, आप उसकी तरफ देखो तो बोलो कि यार कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आपको ये सब चीजें देखने को मिल रही है, पहला उसके बिहेवियर में चेंजिंग आना, दूसरा वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तीसरा आपसे पहले से ज्यादा वो आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहती है, और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढती है, बहुत ही ज्यादा बहाने ढूंढती है कि यार तुझे पता है मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, अच्छा तुम सुनो इधर सुनो, कल मैंने वहां पर ये चीज देखी थी तो क्या हो रहा था, अच्छा एक बात बताओ बैंकिंग में लेकर के क्या होता है, अच्छा एक बात बताओ आजकल सुनने में आया कि मार्केटिंग में सब्जी का रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया, या फिर इधर उधर की कोई सी भी बातें हो सकती है। ये सिर्फ एक डेमो है, एग्जाम्पल है कि इधर से उधर की कोई सी भी बातें हो सकती है, बस वो कोई सी भी बातें को लेकर के आपको अप्रोच करती है, टोक देती है, अगर आप उससे बात नहीं करते तो वो आपसे बात करना चाहती है, तो इसका मतलब वो आपसे इंप्रेस हो चुकी है, ठीक है, और आप में इंटरेस्ट वो हद से ज्यादा बढ़ाने लग गई है। तो यहां पर आपको उसे फ्रेंड अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, कतई आप इग्नोर करने लग जाओ उसे, अवॉइड करने लग जाओ, आपको ऐसा लगे कि इसे मैं इग्नोर करूंगा तो ये मेरे पीछे झक मार के आएगी, अगर मैं इसे अवॉइड करूंगा तो ये मेरे पीछे बाबड़ी हो जाएगी, नहीं यहां पर ये काम मत करना, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं बहुत से बॉयज है कि ये काम करते हैं जिसके बाद सिचुएशन खराब होती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, कंटिन्यू जैसे चल रहा है चलने दो, उससे क्लोजनेस बढ़ाओ, अटैचमेंट बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा, मन करे तो प्रपोज कर देना वरना वही खुद ही कर देगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये था आपका दूसरा सवाल जो कि अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, आप ये बात कैसे जज करते हो कि वो वुमन मुझे पसंद कर रही है या फिर वो लड़की मुझसे प्यार करने लग गई है। सिंपल सी बात है, आप लोग कहोगे कि सर उसको देखने का तरीका से मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है, सर वो जिस तरीके से मुझे देखती है तो मुझे लगता है कि हाँ वो मुझ में इंटरेस्टेड है, सर वो जिस तरीके से मुझे घूरती है मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो चाह रही है मुझसे। तो सिर्फ यही बातचीत जज करके कैसे पता कर सकते हो, देखिए वुमन का नजर पहले कैसे भी था, अगर आप उसे दिख जाते हो तो किसी न किसी बहाने से वो आपको देखना चाहती है, ठीक है, मगर जैसे आप उसे देखते हो तो वो नजरें हटा लेती है। अगर आप एक दूसरे के लिए अननोन हो, ज्यादा क्लोजनेस नहीं है, ज्यादा बातें नहीं होती है, बस थोड़ी मोटी जान पहचान है, तो वो आपको इग्नोर कर देती है, अवॉइड कर देती है कि अरे ये क्या, ये मुझे क्यों देख रहा है, नजरें हटा लेती है, तो इसका मतलब वो आपको पसंद करती है। बस थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ाना है कि जब भी आप उसे देखो तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए अच्छी वाली, जिससे वो वुमन जज करे कि अच्छा ये भी मुझ में इंटरेस्टेड हो रहा है, चल थोड़ा सा और स्माइल में से पास करती हूं, ठीक है। दूसरा, अगर आप उस वुमन को जानते हो और ये बात कैसे पता लगाओगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है, तो देखिए जब भी आप दोनों बात करते हैं ना तो बात करने के दौरान वो आपसे आई कॉन्टैक्ट करना चाहेगी, नजर से नजरे मिलाकर अगर वो बात करती है तो मतलब कि उसका इंटरेस्ट आप में फुल टू है, वरना बहुत से वुमन तो ऐसा करती है कि आपसे बात कर रही है इधर उधर देखती है और जल्दी आपको भगाने पर लगी रहती है कि हाँ ठीक है बात खत्म, अब आप जाओ, अब आप ठीक है जा सकते हो, हाँ ठीक है जाओ, मतलब से मतलब। तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जब भी आप बात करते हो आई कॉन्टैक्ट होता है, जब भी वो आपको देखती है तो देखकर मुस्कुरा देती है, और आपने जैसे उसको देखा नजरें हट जाती है। कई बार आपको ये चीज देखने को मिलता है कि आपसे वो बात करती है तो कभी बोरियत वाली फीलिंग नहीं आती उसे, वो लंबे टाइम तक आपसे बात करना चाहती है, तो मतलब कि भाई वो आपसे इंप्रेस हो चुकी है, सेट होना चाहती है, पसंद करती है, प्यार भी करने लग गई है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर मैंने आपका 3 से 4 नहीं 5 से 6 डाउट क्लियर किया, मैं उम्मीद करता हूं आपका ये डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, अगर हाँ तो बिना लाइक किए जाना मत। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है kailashrai2.0। तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो, फॉलो करो यार, इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा भाई, और आजकल वीडियो शेयर